मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है। इन यात्राओं के जरिए सरकार गांव-गांव और वार्डों तक पहुंचकर जमीनी हालात की नब्ज़ टटोल रही है, लेकिन ये यात्रा आम लोगों के निशाने पर भी आ रही है। ताजा मामला बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा का है, जहां ग्रामीणों ने कांग्रेस से बीजेपी में पहुंची विधायक सुमित्रा देवी कास्टेकर के लापता होने वाले पोस्टर चस्पा कर दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो की पड़ताल में पता चला कि बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा से विधायक सुमित्रा कास्टेकर के झिरी पंचायत के गांव झांझर में विकास यात्रा पहुंचने से पहले ही उनके लापता होने के पोस्टर लगा दिए गए हैं। गाँव में करीब 7-8 स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने इससे अनभिज्ञता जताई है। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर विधायक सुमित्रा ने कहा कि विरोधी पार्टी के लोगों का काम है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह हरकत उन्हीं की पार्टी के लोगों ने की है। चुनाव आते ही फिर प्रारंभ हुआ पोस्टर वार, अब जिले में इसी चुनाव तक चलते रहेगा ये पोस्टर वार। जनता ने सेवा करने के लिए चुने, मैं जनता की सेवा कर रही हूँ और मेरे विधानसभा नेपानगर में रहती हूँ मैं। एक एक गांव अभी तो विकास यात्रा चल रहा है, तो एक एक गांव जाके उनकी समस्या वहाँ की वो हम तत्काल हल भी कर रहे हैं। वो तो खैर वो अब विरोधी पार्टी कोई कर रहे होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी तो विकास की पार्टी है। ये विकास यात्रा को लेकर तो मैं परसों भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि विनाश यात्रा है, और जो नेपानगर के विधायक है एक्सीडेंटल विधायक है, एक्सीडेंट में विधायक बन गई। ये हाल है पूरे नेपाल विधानसभा का, ना वहाँ रोड है, ना वहाँ पे पानी की पीने की व्यवस्था है। जल जीवन मिशन पूर्ण तरीके से उस क्षेत्र में फेल।